हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सी टेट या यूपी टेट या आप किसी भी स्टेट टेट की स्टडी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा आपको। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मैंने लिखा हुआ भी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि किस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है हमारे में। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है बेसिकली, आप समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफ़र, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, और अगर हम लर्निंग जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ लर्निंग की ट्रांसफ़र हो रही है। अगर बात करते हैं तो कैपेसिटी टू यूज, अप्लाई, एक्वायर नॉलेज या फिर स्किल्स, ठीक है, न्यू सिचुएशन इज नॉन एज अ ट्रांसफ़र लर्निंग। यानी हमने अगर कोई भी एक क्या है, कोई भी स्किल सीखी या कोई भी हमने कोई नया ज्ञान है या कुछ भी एक्वायर किया है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसी चीज़ को हम अगर किसी डिफरेंट सिचुएशन में भी अगर यूज़ कर ले रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या दे रखा है कि एक स्किल है, आपने किसी भी स्किल को क्या करा, लर्न किया है या सीखा है, तो उसके बाद आपने क्या करा, उस स्किल को किसी अनदर सिचुएशन में आपने यूज़ कर लिया। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो वही क्या हो रहा है, एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। अगर बात करें जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जब वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब सीखते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले वो जोड़ घटाओ सीख लेते हैं, लेकिन जब उन्हें शॉप पे या किसी चीज़ पे भेजा जाता है तो वो उस चीज़ का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जनरलाइजेशन कर लेते हैं उसमें। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र लर्निंग हो जा रही है कि जो उसने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को सीखा था वो वहाँ जाके दुकान पे जाके यूज़ कर लिया। अगर उनने 5 रुपये कोई चीज़ खरीदी है उसमें से 10 का नोट दिया है तो जहर से 5 रुपये बचेंगे, तो इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। चलिए, ये तो बात थी इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एक करके इनके जो है पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पॉइंट ये, इट मेक लर्निंग प्रोसेस इजी। ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमने एक काम सीखा था वो अनदर किसी सिचुएशन में भी अगर यूज हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे क्या हो रहा है, वो हमारी जो लर्निंग है उसको ईजी बना दे रहा है। उसके बाद है, इट कैन हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल। देखिए यहाँ पर लिखा है मेंटल एबिलिटी टू लर्नर्स, ठीक है, ऑफ अ लर्नर्स विच वी कैन यूज इन अनदर, मतलब टास्क वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो मेंटल एबिलिटी को भी क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद है, लर्निंग ऑफ वन सब्जेक्ट कैन बी हेल्पफुल ऑफ हिंडरिंग द लर्निंग अनदर सब्जेक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो किसी भी सिचुएशन में हेल्प भी करेगा। वो मे बी दो केस हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मे बी एज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ट्रांसफर लर्निंग कैन मे बी पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। तो ये बात आपको क्या रखिए, ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपकी कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हिलगार्ड की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, इसमें दिया है कि इन लर्निंग ट्रांसफर वन एक्शन हैज वन एन अफेक्ट एन अनदर। यानी अगर इसकी बात करें, हिंदी में भी दिया हुआ है कि आपके अधिकम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है, ठीक है, तो वही क्या होता है, आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और दी हुई है, गुथरी या गुथरे भी बोल देते हैं इनको। तो ये दिया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रांसफर कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, जो आपका बिहेवियर है उसको क्या कर रहा है, इन्हांस कर रहा है। तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पर ट्रांसलेशन दे रखा है कि अधिकम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने या लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो आपका व्यवहार है उसमें क्या कर रहा है, जो उसकी क्रिया या उसका एक प्रोसेस है उसमें क्या कर रहा है, आपको इन्हांस कर रहा है यानी बढ़ोतरी कर रहा है किसी प्रकार से, तो उसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कह रहे हैं। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नीचे देखा। सबसे पहले अगर बात करें तो ये किसका है, थंडराइट ने दिया हुआ है। और बेसिक जो आपके ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो मेनली आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके बाद हम कुछ और भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, एक निगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर बात करते हैं कि जो पॉजिटिव देख ऐसा होता है कि कोई भी अगर हमने चीज़ सीखी है, कोई भी अगर लर्निंग हमने सीखी, तो उसका अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा दूसरे उस पर, तो वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाता है। लेकिन अगर यही बात मैं कर दूं कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो आप सीख रहे हैं उसमें बाधा मतलब कि पैदा कर रहा है, तो वो कहीं आपकी निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाती है। लेकिन न्यूट्रल की बात करें तो ना तो उसमें क्या कर रहा है, उसको बाधा पड़ रहा है, ना उसका कोई यूज़ है। अगर बात करी जाए यहाँ पर
कि क्रिकेट खेला है और खाना बनाने में कोई भी डिफरेंस या कोई भी उसमें कोई भी क्या है सिमिलरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, तो वो उसमें क्या हो रहा है कि कोई ट्रांसफर लर्निंग यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव में कि साइकिल चलाना आती है, स्कूटी चलाना सीखने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हैंडलिंग वगैरह पहले से बैलेंसिंग वगैरह आती थी और वो उसको हेल्प कर रहा है स्कूटी में। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करें तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि पहले के टाइम में बुलेट वगैरह जो आती थी उसमें क्या होता था कि जो गियर सिस्टम था वो अपोजिट साइड होता था, जो कि नॉर्मल बाइक में जिस साइड होता था उस साइड नहीं होता था। तो अब वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव वे में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें वो बाधा आ रहा था कि उसका, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ कि पैर वहीं की उधर ही जाता है ब्रेक की साइड, तो जिधर ब्रेक था उधर क्या हो रहा है उसके गियर है और जिधर गियर है उधर ब्रेक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स यहाँ पर कौन से होते हैं, तो समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया हुआ है और ये भी आपका थंडॉइक ने दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचार्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है, यानी ये जो है आइडेंटिकल, ठीक है, इसका मीन्स जो है आइडेंटिकल है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी काम अगर आपने सीखा है तो उसका दूसरे कार्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये उसकी आइडेंटिकल या समरूपता पर निर्भर करता है। तो अब एक एक करके इसके हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर लर्निंग दिए गए हैं, तो जिसको हम देखेंगे वो जो आपके दिए बेसिक वाले हैं जो मोस्टली सब लोग पढ़ाते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी पूछा जाता है आपके KBS या DSSB ट्रिपल ई वगैरह में ये पूछा जाता है। तो ये आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर लर्निंग हो गया, और ये बायोलैटरल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहला है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर लर्निंग, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक अंग का प्रयोग करते हैं तो वो आपका क्या होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर लर्निंग होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि आप जब एक ही हैंड का यूज़ कर रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वो क्या है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब वो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही हैंड से यूज़ कर रहे हैं, दोनों हाथ यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन किसी कारण से आपकी चोट लग जाती है हाथ में, या तो उसमें आप क्या करते हैं दाएँ हाथ से भी या बाएँ हाथ से भी यूज़ करने लगते हैं, तो वो क्या एक ही हैंड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये होता है आपका यूनिलैटरल, यानी किसी भी बॉडी का एक पार्ट, यानी हैंड एक ही हैंड कहते हैं आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ बायलैटरल ट्रांसफर लर्निंग, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूँ जो बॉलर होता है बॉलिंग कराता है, तो उसका एक हाथ से तो बॉल फेंकता है लेकिन उसका दूसरा हाथ झटके के साथ वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, या हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारा बैक एक हाथ जो होता है पीछे पहुँच जाता है, तो वो इस प्रकार से जो है ये आपका उसका दो बायलैटरल ट्रांसफर हो गया। उसके बाद है वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसफर लर्निंग, इसका अर्थ है कि श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना, किसी भी चीज़ को क्या है श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना। अगर बोर्ड मार्क्स की बात करें तो बच्चे पहले बोर्ड मार्क्स सीखते हैं, ब्रैकेट खोलना, फिर उसका क्या कहते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो क्या है आपका एक वर्टिकल ट्रांसफर लर्निंग हो गया, यानी डिफिकल्टी जो है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, आगे की तरफ डिफिकल्टी जो है बढ़ती चली जा रही है, तो वो आपका वर्टिकल ट्रांसफर लर्निंग हो गया। उसके बाद आपका लास्ट आता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग क्या है, यह है एक परिस्थिति का जो एक्वायर्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जो भी कुछ आपने लिया है, तो वो क्या है दूसरी सिचुएशन में क्या कर रहा है वो उसी की तरह यूज हो जाए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एक विषय का जो ज्ञान है वो दूसरे विषय में क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। इसकी हिंदी मैंने आगे लिखी भी है, आप देख सकते हैं कि मदद करे, तो मतलब क्षैतिज का मतलब होता है कि ये इस प्रकार से चलेगा, और जो हमने इससे पहले बात करी थी वर्टिकल, वो इस प्रकार से चल रहा था ऊपर की साइड, और ये आपके नीचे की साइड चल रहा है। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इस प्रकार की लर्निंग में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ जो सीखी है वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है उसी सेम सिचुएशन में। मतलब अगर कहने के बाद एक प्रकार कोई सब्जी बनाना सीख लिया किसी ने, तो वो सेम सब्जियां जो भी बन रही हैं वो सबको बना लेगा। या फिर अगर हम बात करें कि मैंने ABCD लिखना सीखा है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको वर्ड भी लिखना सीख ही जाऊँगा, कि ए से ए फॉर एप्पल है, तो फिर ABC यानी एप्पल का पूरा स्पेलिंग लिखना भी सीख जाऊँगा, तो वो क्या कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के आपके हो गए। इसके बाद हम एक एक करके देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, या फिर हम जीरो लर्निंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या बात करी थी आपका जो ये है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।